गाइस, दिस इज मंजू कुमारी एंड वेलकम टू बिगिनिंग फॉर लर्निंग। तो जो आज का हमारा विषय है, आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख सकते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हम इंग्लिश में शॉर्ट में कहते हैं DPSP। तो आज हम लोग पढ़ेंगे DPSP क्या होते हैं, कैसे उसकी जरूरत है, काफी चीजें हैं जो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। चार तरह के जो है मेनली सिद्धांत होते हैं। सबसे पहली बात आपको याद रखना है, जब हम यहाँ लिखते हैं सिद्धांत, ठीक है, यानी हम इसको अधिकार ना लिखकर सिद्धांत लिखते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि हम इन्हें सिद्धांत क्यों कहते हैं, अधिकार क्यों नहीं कहते, ठीक है। तो जैसे आपको ये मेन चार प्रकार के जो है वो DPSP है, सोशलिस्ट यानी समाजवादी सिद्धांत, लिबरलिस्ट यानी उदारवादी सिद्धांत, गांधीयन सिद्धांत यानी गांधीवादी सिद्धांत, चौथा है इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय सिद्धांत। तो आज हम इस वीडियो में इन चार प्रकार के सिद्धांत के बारे में बात करने वाले हैं। तो उससे पहले हम जानेंगे कि जो DPSP है उसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे उसको संविधान में जो है वो शामिल किया गया, उसके बारे में पहले हम बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि जो DPSP है यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी ये है, तो आपको पता है कि हम इनके खिलाफ जो है वो किसी भी न्यायालय में यानी किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं अगर ये लागू नहीं कर दिए जाते हैं किसी भी राज्य द्वारा। तो जब ये इनकी कोई महत्वता ही नहीं है, हम इनको लागू करवाने के लिए किसी भी न्यायालय में जा ही नहीं सकते हैं, तो इनकी जरूरत क्या है। मतलब एक तरह से जिस चीज का हम लागू नहीं करवा सकते, इसका कोई प्रयोग नहीं है, तो उसको संविधान में क्यों ऐड किया गया है, क्यों संविधान को लंबा बनाया गया है, क्या जरूरत थी उसकी। तो जरूरत हम वही बात करेंगे, जरूरत की थी क्या थी। पहले हम इसकी हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं, यानी इसकी शुरुआत कैसे हुई, किसने इन संविधान को जो है वो ऐड किया संविधान में, ठीक है। पहली बात तो जो DPSP है वो आयरलैंड से लिए हैं, ये याद रखना है आपने। और कभी कभी ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है, इस तरह का क्वेश्चन भी आ जाता है कि आयरलैंड ने कहां से लिए, तो आयरलैंड ने जो है वो स्पेन से लिए हैं ये। और अगर आप आगे पूछा जाए कि स्पेन ने कहां से लिए, तो स्पेन ने खुद बनाए। बट अगर आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, तो भारत ने आयरलैंड से क्यों लिए, डायरेक्ट स्पेन से ले लेने थे, तो स्पेन से इसलिए नहीं लिए क्योंकि जैसे कि हमारे पास कोई चीज होती है, अब जैसे कि मान लीजिए दो जूते हैं खरीदने हैं, ठीक है, तो एक मान लीजिए व्हाइट कलर के दो पर्सन के पास जूते हैं, ये है मान लीजिए ए पर्सन और ये है बी पर्सन, दोनों के पास व्हाइट कलर के शूज हैं, ठीक है, लेकिन मैं ए पर्सन से ही खरीद रही हूँ, क्यों, क्योंकि उसने मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे व्हाइट शूज में चेंज चाहिए था, जो इफेक्टिव करके बना दिया, जो जैसे मुझे चाहिए थे वैसे उसने बना दिया, तो मैं उससे खरीदूंगी, ना कि मैं बी के पास जाऊंगी। तो वही था कि आयरलैंड के जो DPSP थे यानी नीति निर्देशक सिद्धांत थे, वो हमें मतलब हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग सेट हो रहे थे, जिस तरह के हमें चाहिए थे उस तरह की चीजें आयरलैंड के जो DPSP थे उसमें थी, स्पेन को उसमें नहीं थी। तो जो हमें चाहिए, जो हमें जिसकी जरूरत है, जो हमसे मिलते जुलते होंगे, हमने वही लिए, इसलिए हमने ये आयरलैंड से लिए, ठीक है। और DPSP जो है वो हमारे संविधान के भाग चार में आते हैं, भाग चार में आते हैं, ठीक है। और भाग चार में आर्टिकल में आते हैं 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक, हम पूरे आर्टिकल्स का डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो भाग चार में आता, तो हिस्ट्री क्या थी कि जब हमारा संविधान बन रहा था, तो हमारे संविधान सभा के जो सलाहकार थे बी एन राव ने बोला कि हमें लोगों के लिए दो तरह के अधिकार जो है वो बनाने चाहिए। उन्होंने दो कैटेगरी डिवाइड कर दी, ठीक है, एक कैटेगरी यानी उन्होंने बोला कि जो हमने लोगों को अधिकार देने हैं, उसके दो तरह के अधिकार जो है वो हमें लोगों को देने चाहिए। पहले तो उन्होंने बोले थे कि मतलब मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स जो है वो लोगों को देने चाहिए, ठीक है, यानी पहली कैटेगरी में उन्होंने फंडामेंटल राइट्स को जोड़ा, ठीक है, जो कि हम बताइए हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, और फंडामेंटल राइट्स जो है वो भाग 3 में आते हैं, ये भी आपने साथ में याद रख लेना है, ठीक है। तो जैसे कि उन्होंने बोला कि दो प्रकार के अधिकार देने हैं, तो दोनों साथ में जोड़े गए हैं, भाग 3 में मूल अधिकार है, भाग 4 में DPSP है। तो पहली कैटेगरी में मूल अधिकार रखे गए और दूसरी कैटेगरी में जो है वो DPSP रखे गए, ठीक है, दो कैटेगरी जो है बी.एन. राव के द्वारा बनाई गई अधिकारों की, जो कि लोगों को देनी थी, ठीक है। अब दो कैटेगरी, अगर ऐसा ही था कि दोनों प्रकार के अधिकार
अधिकारों की बात हो रही थी, दोनों को एक ही भाग में क्यों नहीं जोड़ा? अगर भाग तीन में मौलिक अधिकारों को रखा गया तो ये डीपीएसपी ये भी लोगों के अधिकार ही है ना, तो इनको भी मौलिक अधिकार के साथ में ही रखा जा सकता था। पर वी एन राव ने ऐसा क्यों नहीं किया, अमृतसर के सजेशन जो उन्होंने दिए थे उसको आगे क्यों नहीं लागू किया संविधान में? भाग तीन में ही दोनों तरह के अधिकार क्यों नहीं शामिल किए गए? इसका ये रीजन था कि भाग तीन में जो मौलिक अधिकार हमारे आते हैं, यानी जो हमारे फंडामेंटल राइट्स आते हैं, उनके खिलाफ हम लोग जा सकते हैं न्यायालय में। अगर हमारे मौलिक अधिकारों की कोई उल्लंघना करता है या हमें हमारे मौलिक अधिकार छीनता है या सरकार हमारे मौलिक अधिकार हमें नहीं देती है तो हम न्यायालय में जा सकते हैं। आपको बताइए, आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग हमें ये राइट प्राप्त है कि अगर हमारे कोई अधिकार छीनता है तो हम न्यायालय में जा सकते हो। बट जो भाग चार में आते हैं, यानी ये हमारे डीपीएसपी, इनके खिलाफ हम जो है किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। इसका ये कारण था कि उन्होंने बोला कि जैसे कि अभी जब हमारा भारत आजाद हुआ था उस टाइम हमारे पास पैसा भी कम था क्योंकि अंग्रेज पहले ही सारा पैसा यहाँ से लूट के जा चुके थे, तो हमारे पास उतना ज्यादा डेवलपमेंट की स्थिति में हम नहीं थे, उतना हमारे पास पैसा नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि लोगों को अधिकार तो देने हैं पर कुछ अधिकार देने जो हम अभी लोगों को प्रोवाइड करवा सकते हैं। डीपीएसपी में बहुत तरह के अधिकार आते हैं, जैसे फ्री एजुकेशन, बुढ़ापे में पेंशन वगैरह, इस तरह के कितने अधिकार आते हैं। तो उस टाइम अगर ये अधिकार भाग तीन में ऐड कर दिए जाते जो कि चार में ऐड किए गए हैं, उनको उस टाइम अधिकारों को पूरा करना राज्य के लिए पॉसिबल नहीं था क्योंकि उतने पैसा उतने हमारे पास डेवलपमेंट नहीं था। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि कुछ अधिकारों को जो हमें जरूरी चाहिए, मतलब अभी उनकी जिनके बिना रहा ही नहीं जा सकता है, उनको भाग तीन में ऐड कर देते हैं, और कुछ ऐसे अधिकार जिनके बिना अभी रहा जा सकता है पर आगे चल के वो लोगों को दे देंगे क्योंकि अभी हमारे पास उतना पैसा वगैरह नहीं है तो उनको आगे पूरा किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने भाग चार में रख दिए। वो भाग तीन में इसलिए नहीं रखे क्योंकि अगर मान लीजिए भाग तीन में रख देते तो लोग अभी न्यायालय के पास जाते कि जी हमको तो फ्री एजुकेशन दो, हमें पेंशन दो, तो वो और उस टाइम पैसा तो था नहीं जो इतना पूरा कर सकते थे, इसलिए उन्होंने ऐसे भाग चार में रखा ताकि लोग न्यायालय में ना जा सके। मीन टू सेंड का ये कहने का मतलब था कि जो अभी जरूरी चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल समझाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई अपना घर बसा रहा है तो उसको जो सबसे जरूरी चीजें जैसे बेड, फ्रिज, अलमारी, इस तरह की चीजें चाहिए, बेसिक चीजें हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वो सोचेगा कि पहले ये जो बेसिक चीजें हैं वो पूरी कर लूं, बाकी आगे और चीजें मुझे लेके आनी है, बाद में कर लूं जब मेरे पास पैसा होगा, अभी बेसिक वाली चीजें कर लेता हूं, ठीक है। तो उसके बाद हम सबसे पहले हम बेसिक चीजें खरीदते हैं, उसका जब हमारे पास धीरे धीरे पैसा आ जाता है हम और भी घर में बहुत सारी चीजें हजारों चीजें ले आते हैं, पर तब लेके आते हैं जब पैसा आता है। तो इसलिए इन्होंने भी ऐसा किया कि भाग तीन में मतलब वो अधिकार रखे जो भी बहुत जरूरी चाहिए थे, भाग चार में वो रखे जब उन्होंने बोला जब गवर्नमेंट के पास सरकार के पास राज्य के पास पैसा होगा उनको पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो ये है कि भाग तीन में और चार में क्यों ऐड किए इस तरह के अधिकार, और ठीक है। अब हम बात करेंगे फिर इन अधिकारों की जरूरत ही क्या है, जैसे हमने बोला कि अभी हम इन सिद्धांतों को जो है वो लागू नहीं करवा सकते, हम सरकार के पास मतलब हम न्यायालय के पास नहीं जा सकते इनको लागू करवाने के लिए, तो क्या मतलब जब जिसको लागू नहीं किया जा सकता उसकी जरूरत ही क्या, उसको तो खत्म कर देना चाहिए। तो जरूरत क्या है इसकी इन सिद्धांतों की, पहली तो ये है कि ये गाइडेंस का काम करते हैं, यानी मार्गदर्शन का काम करते हैं। एक राज्य के पास एक मार्गदर्शन प्रोवाइड करवाया जाता है इनके द्वारा कि आपको ये काम जो है लोगों के लिए करने हैं, जैसे बुढ़ापे में पेंशन देनी है, फ्री एजुकेशन देनी है, एक सेफ एनवायरनमेंट लोगों के लिए क्रिएट करना है, सोशल डेवलपमेंट करना है, सामाजिक आर्थिक न्याय पैदा करना है। तो ये है एक राज्य को, राज्य का मतलब स्टेट से नहीं है, मतलब राज्य की सरकारों से नहीं, राज्य का मतलब है भारत भी एक राज्य है, कोई और कंट्री है वो भी एक राज्य है, ये जो हमारे स्टेट्स हैं वो भी राज्य हैं, यानी राज्य का मतलब जिनकी एक फिक्स टेरिटरी होती है और वो उनका कोई अपना आय का साधन होता है उसे राज्य कहते हैं, ठीक है। तो भारत सरकार जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी एक राज्य है। तो पहली बार तो ये सिद्धांत मार्गदर्शन दिखाते हैं, जब मैं आपको पूरे सिद्धांत लिखवाऊंगी उसमें लिखा है कि ये लोगों के लिए करना है, पेंशन देनी है, फ्री एजुकेशन देनी है, सब कुछ उस वक्त प्रॉपरली लिखा है। तो ये है जब भी कोई जैसे सरकार कोई आती है बनके उसको भी पता चल जाता है कि मेरे को ये सारे काम करने हैं, फिर पहले आपको बता दिया हो गया होता है कि ये डेवलपमेंट के काम आपको करने हैं, ठीक है। तो पहला ये कि मार्गदर्शन,
मार्गदर्शन प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, दूसरा ये है कि अगर ये सिद्धांत जो दिए, अगर ये कोई राज्य सरकार बन के आती है, कोई भी सरकार आती है उसमें सत्ता में, अगर वो इन सिद्धांतों को पूरा नहीं करती तो उसको पता है नेक्स्ट टाइम लोग उसको चूज नहीं करेंगे। तो इसलिए सरकारें भी कोशिश करती हैं कि ज्यादा से ज्यादा इन सिद्धांतों को लागू करें। जैसे फ्री एजुकेशन हो चुकी है, कोई पेंशन दे रहा है, किसी कोई स्टेट में कोई और सिद्धांत लागू कर रहा है, तो ये भी एक प्रेशर भी बनाते हैं ये गवर्नमेंट के ऊपर कि अगर हमने इनमें से कुछ नहीं किया, लागू नहीं किया, नहीं तो हमें अगली बार से सत्ता से जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसकी जो है वो एक महत्वता है। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके सारे जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम सोशलिस्ट यानी समाजवादी जो सिद्धांत है उनके बारे में बात करेंगे। पर उससे पहले मैंने आपको बताया था कि हम इनको सिद्धांत क्यों कहते हैं और अधिकार क्यों नहीं कहते हैं, उसमें बता देती हूँ। हम जैसे अधिकार, अधिकार होते हैं जो लोगों को दिए जाते हैं, है ना, जैसे कि हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं 6, तो वो है हमारे अधिकार जिनके लिए हम जो है आवाज उठा सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं। पर सिद्धांत यानी कि जिनके जो लोगों पर लागू नहीं होते हैं, जैसे DPSP है, तो ये लोगों पर ना लागू होकर राज्य पर लागू होते हैं। यानी राज्य को कुछ प्रिंसिपल्स बता दिए गए हैं कि आपको ये करना है, तो अधिकार इसलिए नहीं कहते क्योंकि ये जो है लोगों पर लागू नहीं होते हैं DPSP, ये राज्य पर लागू होते हैं। ठीक है, और इसमें एक डेफिनेशन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है MC छागल की, MC छागला ने DPSP के बारे में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात की। MC छागला कहते हैं कि जो DPSP है अगर उनको पूरी तरह से लागू कर दिया जाए, कंप्लीटली उनको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, तो पृथ्वी पर जो है वो स्वर्ग बन जाएगा। और उन्होंने ये बात जो है बहुत ही अच्छी कही है, ये हम DPSP को जानने के बाद हमें बहुत अच्छे से पता लगेगा कि उन्होंने ये बात क्यों कही, क्योंकि DPSP में बहुत अच्छी अच्छी लोक कल्याण की बातें जो है वो कही गई हैं, जिससे समाज का भला हो, ना कि गवर्नमेंट अपने पास पैसा इकट्ठा करके रखे। तो इस तरह की बातें हैं, इसी वजह से उन्होंने बोला कि अगर इन DPSP को कम्प्लीटली लागू कर देते हैं तो पृथ्वी पर स्वर्ग बन जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले, जैसे मैंने आपको शुरू में लिखवाए थे 4 तरह के DPSP करवाए थे, उसमें से हम पहला करने वाले हैं आज सोशलिस्ट के बारे में। तो यहाँ से जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक जो है वो हमारे DPSP आते हैं, तो आर्टिकल 36 से शुरू करेंगे। आर्टिकल 36 में जो है वो राज्य की परिभाषा दी गई है, यानी बताया गया है कि राज्य क्या होता है, इसकी पूरी डिटेल में परिभाषा दी गई है। और आर्टिकल 37 में बताया गया है कि ये जो DPSP है वो न्याय संगत नहीं है। इसका मतलब ये है, आर्टिकल 37 में इसका बहुत अच्छे से बयान दे दिया गया, अच्छे से बता दिया गया है कि DPSP के खिलाफ जो है अगर लागू नहीं होते हैं तो न्यायालय में नहीं जाया जा सकता है, क्योंकि ये राज्य पर लागू होते हैं और इनके खिलाफ कोई न्यायालय कोई कार्रवाई नहीं कर सकता अगर कोई राज्य इनको लागू नहीं करता है। तो ये आर्टिकल 37 में बहुत अच्छे से मेंशन किया गया है, तो तभी हम इनके खिलाफ नहीं जा सकते हैं। बट इसमें साथ साथ में आर्टिकल 37 में ये भी कहा गया है कि एक राज्य के लिए आधारशिला होते हैं, यानी बेस होते हैं ये, अगर इनको मान के चलेंगे तो जो है एक लोक कल्याण समाज का जो है वो विकास होगा। तो जैसे हम अम्बेडकर की बात करते हैं, अंबेडकर जी ने भी ऐसे ही बोला कि ये जो DPSP है वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कल्याण के लिए और लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए ही बनाए गए हैं, जिससे कि एक जो है वो एक समाज, मतलब कल्याणकारी समाज की जो है स्थापना की जा सके, इसलिए ही इनको बनाया गया है। ठीक है, तो ये आपने, मैंने बता दिया आपको आर्टिकल 36 एंड आर्टिकल 37 में क्या क्या है। अब हम शुरू करेंगे आर्टिकल 38 से। तो जब आर्टिकल 38 से शुरू करते हैं तो सोशलिस्ट जो सिद्धांत है यानी सोशलिस्ट जो प्रिंसिपल है वो आर्टिकल 38 से स्टार्ट होते हैं। ये 36 और 37 इसमें नहीं आता, पर मैंने आपको बता दिया कि इनमें क्या लिखा गया है। तो हम आर्टिकल 38 से शुरू करेंगे। 38 में लिखा गया है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के बारे में लिखा गया है। इसमें बोला है कि कोई भी राज्य है इस तरह से राज्य की व्यवस्था करेगा कि राज्य में जो है वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय जो है वो स्थापित हो सके। जैसे कि आपको पता है हमारे भारत में बहुत ज्यादा छुआछूत इस तरह की प्रथाएं जो है प्रचलित आई है, तो निम्न जाति के जो लोग हैं उनको तो डेवलपमेंट हुआ
हुआ ही नहीं, इसलिए इसमें लिखा है कि सामाजिक न्याय भी जो है वो प्रॉपर से समाज में स्थापित हो, इस तरह के राज्य जो है वो प्रयास करेगा आर्थिक न्याय की, मतलब जो लोग हैं जिनके पास इस तरह का कोई काम नहीं है उनको इस तरह के रोजगार प्रदान किया जाए ताकि वो आर्थिक रूप से ऊपर उठ सके। राजनीतिक न्याय में कि ये नहीं कि सिर्फ जिनके पास पैसा है, जो अमीर है वही राजनीति में आए और गरीब लोगों को राजनीति में आने का कोई मौका ना मिले, देश सेवा का उनको किस तरह का कोई मौका ना मिले, इस तरह की जो है वो चीजें नहीं करनी है। मतलब राज्य को पूरे प्रयास करने हैं कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय राज्य में स्थापित हो सके, ठीक है। ये आर्टिकल 38 में लिखा है। आर्टिकल 38 का सेकेंड पार्ट, ये आर्टिकल ये जो है वो 44 में हमारा जो संशोधन हुआ था उसमें इसको जो है वो बाद में ऐड किया गया था, पहले नहीं था, 44 में संशोधन के बाद इसको ऐड किया गया था। इसमें मेंशन किया असमानताओं को दूर, यानी जिस तरह की जो असमानताएं समाज में फैली हुई है राज्य कोशिश करेगा उन असमानताओं को दूर किया जा सके, चाहे वो सामाजिक स्तर को लेकर हो, ऊंच नीच वगैरह इसको भी खत्म करना है, चाहे फिर वो आय को लेकर है, राज्य कोशिश करेगा कि आर्थिक रूप से जो असमानता है उसको भी कम किया जा सके, चाहे फिर वो असमानता अवसर को लेकर है कि अमीर लोगों को या किसी स्पेशल वर्ग को बहुत ज्यादा अवसर दिए जा रहे हैं किसी जॉब में आने के लिए या कोई काम करने के लिए और गरीब लोगों को नहीं दिए जा रहे, उस चीज को राज्य दूर करे। सुविधाएं, यानी कुछ खास वर्ग को ही सुविधाएं ना प्रदान की जाए, सभी लोगों को सुविधाएं प्रदान की जाए, तो इसमें ये लिखा गया स्पेशली कि असमानताओं को दूर किया जाए, ये राज्य का प्रयास होना चाहिए, ठीक है। फिर आर्टिकल 39 ए की बात करते हैं। आर्टिकल 39 ए में लिखा है उपजीविका के बारे में, यानी इन्होंने बोला है कि राज्य में नीति निर्माण इस तरह से करना चाहिए, एक राज्य को इस तरह से नीति निर्माण करना चाहिए कि उपजीविका के साधन अच्छे से लोगों को उपलब्ध हो सके, यानी कि आप इस तरह की कोई कोई डिसीजन ऐसा बना लेते हो कि लोग कोई किस तरह का कोई काम ना कर सके, तो जब उनके पास आय के साधन नहीं होंगे तो अपना जीवन सही से व्यतीत भी नहीं कर पाएंगे वो, और किसी तरह का उनका विकास नहीं होगा, इसलिए राज्य को पूरा कोशिश करनी है कि उपजीविका के साधन लोगों को आसानी से मिल सके। आर्टिकल 39 बी में कहा गया है कि जो भौतिक साधन है उन पे इस तरह से नियंत्रण रखना है कि सबका भला हो सके, यानी जैसे कि हमारे भौतिक साधन हमारे जो जंगल वगैरह हैं, हमारे लैंड है, ठीक है, हमारे वाटर बॉडीज हैं, तो उस पे इस तरह से नियंत्रण रखना है कि सबका भला हो, ये नहीं कि किसी या एक खास वर्ग का नियंत्रण दे दिया कि लो जी सारे पानी पे तो आपका ही कंट्रोल है, बाकी लोग चाहे प्यासे मरे कुछ मरे, अब दूसरों को पीना है तब तो खरीद के पिए, तो इस तरह से नियंत्रण रखना है कि लोगों को भी मिल सके, सबका कल्याण हो सके। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे, सेंट्रल गवर्नमेंट हर चीज पर अपना नियंत्रण उधर बोल ले कि जिसको ये चाहिए वो जो मैंने दाम डिसाइड किया उस पर आगे खरीदे, तो इस तरह का नियंत्रण नहीं रखना, इस तरह का नियंत्रण रखना है कि लोगों का भी भला जो है वो हो सके। फिर आर्टिकल 39 सी में लिखा है कि आर्थिक व्यवस्था का संचालन ऐसे करना है कि लोक कल्याण हो सके, यानी ये नहीं है कि जो मतलब आय के साधन है उस पर किसी एक खास वर्ग का ही नियंत्रण जो है स्थापित कर दिया जाए पूरी तरह से, मतलब अगर जैसे होता है ना कि सारे पैसे मान लीजिए एक ही व्यक्ति को दे दिए हैं अब बाकी उसे भीख की तरह मांग रहे हैं, इस तरह का संचालन नहीं करना है, सबके पास जो है वो आय के साधन एक प्रकार से कोशिश करनी है कि बराबर हो सके, मतलब कि जो आर्थिक असमानता है उसको खत्म करने की बात उन्होंने यहाँ पर की है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास आर्टिकल 39 डी। आर्टिकल 39 डी बहुत ही महत्वपूर्ण है मजदूरों के लिए स्पेशल, जब हम 1 मई को मजदूर डे मनाते हैं तब इस आर्टिकल को बहुत ज्यादा याद किया जाता है। इसमें कहा गया है समान मजदूरी की बात, यानी इसमें कहा गया है कि चाहे फिर वो कोई महिला हो कोई पुरुष हो, यानी कोई मेल फीमेल कोई भी हो, अगर वो एक बराबर काम कर रहे हैं, एक बराबर घंटे काम कर रहे हैं, तो उनको मजदूरी भी समान दी जानी चाहिए। ये नहीं है कि मान लीजिए कि पुरुष और औरत दोनों समान काम कर रहे थे बट पुरुष को ज्यादा दी गई क्योंकि तुम पुरुष और महिला को कम सैलरी दी गई क्योंकि औरत को कम दी जाएगी, इस तरह की चीजें नहीं करनी। अगर सेम काम करते हैं तो सेम काम चाहे कोई भी करे आपको तो सेम मजदूरी देनी है। जैसे मान लीजिए जब गेहूं पक जाते हैं तो लोग गेहूं काटने जाते हैं, तो एक पुरुष भी उतने ही गेहूं काट रहा है और एक औरत भी उतने ही गेहूं काट रही है, तो पुरुष को ज्यादा देना और महिला को कम देना ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको पता है अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो
कंगना रनौत ने डिमांड की थी उसको, मतलब जो मेल एक्टर है उसके बराबर उसको जो है वो पैसे दिए जाए, क्योंकि वो भी उसने बोला कि जो फीमेल एक्टर्स हैं वो भी उतना ही एफर्ट्स करती हैं जितना कि मेल एक्टर करते हैं। तो वो चीज़ है, वही यहाँ पर कही गई कि अगर सेम काम किया जा रहा है तो आप सेम मजदूरी दीजिए। ठीक है, तो आगे और डिस्कस करते हैं हम। आर्टिकल 39E में लिखा है स्वास्थ्य के बारे में, यानी यहाँ प्रॉपर बोला है कि स्त्री पुरुष बच्चे हर किसी के स्वास्थ्य के लिए राज्य जो है वो सुविधाएं करेगा, अच्छी से अच्छी हॉस्पिटल्स अच्छे खोलेगा, दवाइयाँ कुछ फ्री वगैरह, इलाज इस तरह की सुविधाओं के बारे में लिखा गया है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको जो है वो DPSP में ऐड किया गया है। तो कई राज्य बहुत अच्छी सुविधाएं करते हैं स्वास्थ्य की, कई राज्यों की अच्छी सुविधाएं नहीं करते हैं क्योंकि इसको DPSP में रखा गया है। ठीक है, फिर आता है हमारा आर्टिकल 39 से एफ पार्ट, इसको 42 में संशोधन करके ऐड किया गया है। इसमें प्रॉपर मेंशन किया है बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, यानी बच्चों के विकास के बारे में इसमें बात की गई है कि बच्चों का शोषण कैसे रोका जाए, उनको कम उम्र में काम करने से रोका जाए, ये राज्य की जिम्मेदारी है, बच्चों को अच्छी एजुकेशन जो है वो दिलाई जाए, इसके बारे में लिखा गया है। तो आपको पता है अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है NEP, तो NEP में जो अभी 2020 में आई है उसमें भी बच्चों के विकास के लिए काफी जो है वो बातें की गई है। अब तो मतलब जैसे 3 साल का बच्चा जो है उसको एडमिशन दिलवाया जा सकता है, 8वीं तक फ्री एजुकेशन की बात की गई ताकि बच्चों का अच्छे से विकास हो सके, और जो स्पेशल बच्चे हैं यानी इनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, डिसेबल चाइल्ड हैं, तो उनको जो है फ्री एजुकेशन 18 साल तक दी जाए, इस तरह के प्रबंध जो है वो किए गए हैं। तो कई मतलब जैसे बच्चों के विकास में, चाहे फिर उनका जब वो छोटे होते हैं हॉस्पिटल उनका टीकाकरण वगैरह ये सब, और उनको बुरी परिस्थितियों से किस तरह से रोका जाए, बुरी परिस्थिति में काम करने से, उस सब के बारे में इसमें लिखा गया है कि राज्यों को बच्चों के विकास के लिए क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 39A में लिखा गया है, जैसे कि मैंने छोटे में ही ए लिखा था, स्मॉल लेटर में ए लिखा था, अभी मैंने कैपिटल में लिखा है, तो जैसे लिखा है आपको वैसे ही जो है चीजें देखनी है। तो इसमें निःशुल्क कानूनी सहायता, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है। इसमें कहा गया है कि जैसे कुछ लोग हैं जो अनपढ़ होते हैं, उनको कानून की कोई नॉलेज नहीं होता है, तो उनको जो है वो कानूनी सहायता पहुंचाई जाए, उनको वकील प्रोवाइड किया जाए ताकि वो न्याय प्राप्त कर सके, जस्ट अनपढ़ होने की वजह से वो न्याय से वंचित न रह जाए, या फिर लोगों के पास मान लीजिए कि पैसा नहीं है यानी आर्थिक समस्या है, तो आर्थिक समस्या की वजह से वो न्याय पाने से पीछे ना रह जाए, इसलिए उनको निशुल्क कानूनी सहायता जो है वो प्राप्त की जाए ताकि समाज में जो है वो न्याय स्थापित किया जा सके, गरीबी या फिर अनपढ़ता की वजह से कोई न्याय पाने से पीछे ना रह जाए। तो इसमें इस तरह का ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है प्रिंसिपल बन जाता है। फिर आर्टिकल 41 में कहा गया है कि सार्वजनिक सहायता की बात जो है यहाँ पर की गई है, जैसे शिक्षा जो है वो सभी लोगों को फ्री प्रोवाइड करवाई जाए, जो कि 8वीं तक अभी करवाई भी जाती है। ठीक है, फिर बुढ़ापे में जैसे आपको पता है ओल्ड मतलब कि ओल्ड एज पीपल के लिए अलग से मतलब आश्रम वगैरह बनाए गए होते हैं, वो उस तरह की भी सार्वजनिक सहायता प्रोवाइड करवाई जाए। बेरोजगारी में लोगों को रोजगार प्रोवाइड किया, जैसे आपने सुना होगा नरेगा वगैरह में लोगों को काम प्रोवाइड करवाया जाता है। तो सार्वजनिक सहायता की बात की गई कि सार्वजनिक तौर पर लोगों को जो सहायता है प्रोवाइड की जा सके। फिर 42 इसमें काम की स्थिति के बारे में बताया गया है कि मजदूरों को जो है वो अच्छी काम करने की परिस्थितियां जो है उपलब्ध करवाई जाए, यानी कि कहीं किसी मतलब मिल में काम कर रहे हैं कहीं, तो किस तरह भी इनकी कैसे मृत्यु हो रही है, किसी और तरह से हो रही है, तो उसमें कोई कार्रवाई ना हो, तो देखा जाए कि कितने घंटे काम करना है, क्या परिस्थितियां होनी चाहिए, उसके बारे में बताया गया है। और इसी आर्टिकल में जो है वो गर्भ सुविधा के बारे में भी जो है वो बताया गया है। एक मिनट, गर्भ सुविधा के बारे में बताया गया कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको, जैसे आपको पता है प्रॉपर एक टीकाकरण होता है हॉस्पिटल्स में, वो फ्री प्रोवाइड करवाया जाए, मतलब जो गर्भवती महिलाओं को सारी सुविधाएं क्या क्या प्रोवाइड की जानी चाहिए उस सब के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है आर्टिकल 48, यहाँ 43 के बाद सीधा 48 इसलिए लिखा है मैंने कि बाकी जो आर्टिकल्स हैं वो दूसरे उसमें आते हैं, जैसे कि हो सकता है वो लिबरल में आए या फिर वो गांधीयन में आए, इंटरनेशनल पॉलिसीज में वो आर्टिकल ऐड हो सकते हैं, वो सोशलिस्ट जो प्रिंसिपल है उसमें वो आर्टिकल नहीं फिट बैठता, इसलिए मैंने नहीं लिखवाया, वो किसी और भी लिखवा दूंगी इसमें वो फिट बैठता होगा। ठीक है, तो आर्टिकल 48 ये भी मतलब ये समाज कल्याण की जितने भी बातें की गई हैं
वो सारे आर्टिकल जो है वो सोशलिस्ट पॉलिसी वाले में आएंगे। ठीक है, तो 48 में मजदूरों के लिए स्पेशली आर्टिकल है, इसमें लिखा गया है कि जो मजदूर है उनको किस तरह की परिस्थितियां जो है वो काम करने की दी जानी चाहिए, एक राज्य को लोगों के लिए प्रॉपर मतलब कितने टाइम को काम करना है, कितना उनको वेतन दिया जाना चाहिए, उस चीज का पूरा उल्लेख जो है उस आर्टिकल में किया गया है। तो आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया सोशलिस्ट यानी समाजवादी सिद्धांतों के बारे में। अब जैसे मैंने आपको शुरू में लिखवाया था, तीन तरह के सिद्धांत लिखवाए थे, अब हमारे पास लिबरल, गांधीयन, इंटरनेशनल जो पॉलिसीज हैं, ये तीन तरह के सिद्धांत बचे हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में हमने सोशलिस्ट यानी समाजवादी सिद्धांतों के बारे में बात की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच गाइस।